हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9 ज्योमेट्री लेसन नंबर 2 पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.1। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग 2.1 को स्टार्ट करने के पहले कुछ इसके बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। क्या दिया गया, देखिए लेसन नंबर 2 है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्मड बाय द पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ टू लाइंस, और थर्ड पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये आप देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने ये 8th में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए, पैरेलल लाइन हमने पढ़ा था, द लाइंस व्हिच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होता है, जैसे यहाँ पे टू लाइंस दी गई है और ये आगे जाने के बाद में भी कहीं पे भी ये इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस होती है। होल्ड अ स्टिक अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल पैरेलल बार्स ऑफ अ विंडो एज शोन इन द फिगर। ये देखिए, ये विंडो है, विंडो का ये जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। अगर हम यहाँ पे एक स्टिक ऐसे रखते हैं तो ये क्या होगा, ये स्टिक अगर इस तरीके से रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका ट्रांसवर्सल बनेगा। ये हम लोग ने पढ़ा था इसमें 8th में। तो देखो, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, इसमें कितने एंगल्स फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पे, इसमें 4 एंगल, इसमें 4 एंगल, इसमें 4 एंगल, मीन्स यहाँ पे 12 एंगल्स फॉर्म होंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया गया है, डू यू रिकॉल द पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आप लोगों ने 8th में देखा था कि टू लाइंस रहता है और एक ट्रांसवर्सल रहता है, उसमें एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं वो अभी हमें यहाँ पे देखना है। इन फिगर 2.1 लाइन यन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ यल एंड यम। यल एंड यम का जो ये लाइन यन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। हियर इन ऑल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो 4 एंगल्स यहाँ पे, 4 एंगल्स यहाँ पे, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पेयर द एंगल्स फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस एंगल्स आर एज फॉलोज, मीन्स हम लोग ने जो 8th में पढ़ा हुआ है वही एंगल को किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा था, संगत कोण पढ़ा था। तो देखो, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, एच, ठीक है। उसके बाद ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ई, यहाँ पे लिख दो एंगल ई। देखो यहाँ पे डी का एच लिखा हुआ है। फिर एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी है इधर है और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल किधर हो गया, एंगल जी। उसके बाद एंगल बी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल एफ, एंगल एफ। उसके बाद पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया गया है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये अगर आप इसको इस तरीके से जेड फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने जेड बना दिया, तो ये वाला एंगल जो बनेगा जेड के अंदर वाला, इंटीरियर बोला है तो जेड के अंदर वाला, तो यहाँ पे क्या था, सी एंड यहाँ पे ई। इसको देखो, यहाँ पे सी एंड ई हो गया। अगर हम यहाँ पे ये जो इसको अगर जेड बनाते हैं, मीन्स उल्टा जेड बनाते हैं, ये इस तरीके से जेड अगर हमने बना दिया, ये क्या हो जाएगा, बी एंड एच। यहाँ पे देखिए, बी एंड एच मीन्स पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बनेगा, एंगल सी ई एंड एंगल बी एंड एंगल एच। उसके बाद में है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मीन्स क्या हो गया, जो बाहर रहे, इंटीरियर एंगल के जो बाहर रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो जेड हमने यहाँ पे बनाया था, जेड के बाहर कौन सा एंगल है, एंगल डी एंड एंगल एफ। देखो यहाँ पे एंगल डी एफ हो गया। और अगर उल्टा जेड जो हमने बनाया था तो उसमें से क्या है आएगा, एंगल ए एंड एंगल जी यहाँ पे दिया गया है। नाउ क्या दिया गया है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का मीन्स क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। तो देखो ये जो ट्रांसवर्सल से ये जो सेम साइड आएगा, देखो ये सेम साइड हो गया, तो ये एंगल सी एंड एंगल एच, इसको क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल बोला जाता है। और यहाँ पे भी सेम साइड आएगा, तो ये देखोगे बी एंड ई, तो ये जो बी एंड ई आया है यहाँ पे, देखो ये इंटीरियर एंगल हो गया। मीन्स हमको करस्पॉन्डिंग एंगल आना चाहिए, इंटीरियर एंगल आना चाहिए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आना चाहिए और इंटीरियर एंगल आना चाहिए।
इस तरीके से जो भी हम लोग ने 8th में पढ़ा था उसी का यूज करके हम लोग 2.1 करने वाले। ना यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दी गई, देखिए सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रेंट। मीन्स अगर टू लाइन जो है इंटरसेक्ट होती है तो इसकी जो अपोजिट एंगल होगी, ये वाली एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये वाली एंगल जो होगी वो इसके इक्वल होगी। कहने का क्या मतलब है, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट होता है तो उसका जो अपोजिट एंगल बनेगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा। देन सेकंड में क्या दिया गया है, द एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जैसे अगर एक लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर इसके बीच में अगर यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया, तो ये दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या दिया गया, व्हेन वन पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल इज अ कॉन्ग्रेंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। मीन्स देखो टू पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, तो अगर ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल आ गया तो बाकी जो रिमेनिंग थ्री एंगल्स रहेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल। फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या दिया गया, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज अ कॉन्ग्रेंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जब हम अल्टरनेट एंगल बनाते हैं तो अल्टरनेट एंगल हमारा कैसा होता है, अल्टरनेट एंगल जेड के शेप में होता है। याद रखना कहीं पे भी अगर अल्टरनेट आता है तो वो जेड में आ जाएगा। तो ये वाला अगर एंगल यहाँ पे इसके इक्वल आ गया तो जितने भी इसमें अल्टरनेट एंगल बनेंगे सब क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सब इक्वल आएंगे। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या दिया गया है, व्हेन वन पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। कहने का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ से एक इंटीरियर एंगल बनेगा तो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, 180 होगा। तो इसका भी जो बनेगा, इस साइड का भी जो बनेगा, तो ये भी क्या होगा, इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होगा। सो दोस्तों ये था हमारा बेसिक पार्ट। ये बेसिक पार्ट आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। क्या दिया गया, देखिए प्रैक्टिस सेट 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन फिगर 2.5, यहाँ पे देखिए फिगर 2.5 है, लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस। आर पी जो है ये एम एस के पैरेलल है एंड लाइन डी के, डी के इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। डी एच पी, एंगल डी एच पी दिया गया 85 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, मीन्स यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं उसके मेजर हमको फाइंड करने हैं जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसका यूज करके। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या दिया गया है, आर एच डी। तो हम लोग यहाँ पे पहले ढूंढते हैं कि आर एच डी है कहाँ पे। देखो आर एच डी ये वाला एंगल अब हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है तो कौन से यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगेगी, तो ध्यान दोगे देखो आर एच पी, आर एच पी क्या है, लीनियर पेयर है, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखो एंगल आर एच डी प्लस, देखो आर एच डी प्लस डी एच पी, एंगल डी एच पी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये 180 डिग्री होता है। एंगल आर एच डी तो हमको फाइंड करना है प्लस डीएचपी, डीएचपी देखो यहाँ पे कितना दिया गया, 85 डिग्री दिया गया, 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट अब यहाँ पे देखो ये प्लस 85 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 85 होगा। आर एच डी इक्वल टू 180 माइनस 85, सो दैट एंगल आर एच डी हो जाएगा 95 डिग्री। हमारा आंसर क्या आएगा, एंगल आर एच डी इक्वल टू 95 डिग्री। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या दिया गया है, एंगल पी एच जी।
अब एंगल पी एच जी कहाँ पे है हमारे पास, देखो ये है एंगल पी एच जी, पी एच जी तो ये वाला अब हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये पी एच जी से हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो एंगल पी एच जी इक्वल टू एंगल आर एच डी, आर एच डी ये क्या आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कभी भी सेम होता है। तो एंगल पी एच जी तो हमको फाइंड करना है, पी एच जी हमने फाइंड करना है और यहाँ पे आर एच डी, आर एच डी कितना दिया गया है हमको 95, मीन्स अभी हमने जस्ट निकाला था तो ये 95 यही तो आ गया हमारा आंसर। आप लोग यहाँ से ये पी एच जी का वर्टिकली अपोजिट भी लगा सकते हो और यहाँ पे लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। सो दोस्तों इसी तरीके से आएगा, इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं एच जी एस। थर्ड में क्या दिया गया है एंगल एच जी एस। अब हमको क्या फाइंड करना है, एच जी एस फाइंड करना है। तो एच जी एस फाइंड में देखो ये इंटीरियर एंगल बन रहा है तो यहाँ पे लिखो एंगल पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सा बनेगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होती है। तो हम लोग यहाँ पे पी एच जी जो है, पी एच जी हमको दिया गया है कितना 95 डिग्री प्लस एच जी एस फाइंड करना है, एच जी एस फाइंड करना है, टोटल होता है 180 डिग्री। अब ये 95 प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, एच जी एस इक्वल टू 180 माइनस 95। सो दैट यहाँ पे हो सकता है एच जी एस इक्वल टू 85 डिग्री। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो एंगल है 85 डिग्री का और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल भी लगा करके आप लोग इसको कर सकते। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नाउ फोर्थ करना है, फोर्थ में क्या दिया गया एंगल एम जी के। तो सबसे पहले फाइंड करो एम जी के कहाँ पे, देखो एम जी के ये तो कितना आया था, ये 85 आए थी। तो अभी यहाँ पे देखो ये एम जी के ये वाला जब फाइंड करना है ये भी तो वर्टिकली अपोजिट साइड होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एच जी एस इक्वल टू एंगल एम जी के। यहाँ पे क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे एच जी एस, एच जी एस अब भी हमने फाइंड किया 85 डिग्री, 85 इक्वल टू एंगल एम जी के। सो दैट इसको लिख सकते हैं एंगल एम जी के इक्वल टू 85 डिग्री। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर टू में, इन फिगर 2.6, यहाँ पे दिया गया फिगर 2.6, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन यल एंड यम आर ट्रांसवर्सल। मतलब पी एंड क्यू हमको पैरेलल दिया गया और ये यल और यम ट्रांसवर्सल दिया गया है। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ ए बी सी डी। मीन्स यहाँ पे कुछ एंगल्स हमको दिए गए हैं उसमें से हमको ए बी सी डी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी फाइंड करना है। तो ए एंड बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ये पार्ट है इसके ये नीचे वाले पार्ट को मत ध्यान दो, सिर्फ ऊपर वाले को ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन यल इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे हम एक एक फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो ए हमको फाइंड करना है, तो ये एक लाइन है, लाइन है तो मींस क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में एंगल बन रहा है ना, सो दैट एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस 110।
सो दैट एंगल ए आ गया हमारा 70 डिग्री। ये तो आ गया एंगल ए 70 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये क्या बनेगा, ये जेड बनेगा हमारा। तो जेड में ये एंगल ए जो होगा वो एंगल बी का अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एक्सटर्नल बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यों आएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, सो दैट ये क्या हो जाएगा 70 इक्वल टू एंगल बी, सो दैट एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। अभी भी याद रखना कि हम लोग इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस सिर्फ हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा एंगल लगेगा। अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, जेड बन रहा है, तो जेड बनने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लगेगा। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सी एंड डी का भी फाइंड करते हैं। अब हमको किसका फाइंड करना है, सी एंड डी का। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या क्या बनेगा, सी एंड डी यहाँ पे, तो ये हाफ के नीचे साइड वाला देखिए, तो इसके लिए लिखेंगे लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एम, लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ पे भी देखो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल डी प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। तो यहाँ पे लिख लो एंगल्स इन लीनियर पेयर, सो दैट एंगल डी इक्वल टू 180, यहाँ पे 115 प्लस हो रहा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 115, सो दैट एंगल डी हो जाएगा 65 डिग्री। अब हमको देखो डी का निकल गया, अब सी का निकालना है, तो सी के लिए भी वैसे करते हैं। इसका यहाँ पे देखोगे तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो यहाँ पे लिख लो एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री। ये तो सीधा सीधा आ गया, एंगल सी इधर है, ये इधर 115 डिग्री आ गया। यहाँ पे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये आ गया हमारा एंगल ए बी सी डी, हमारा सब का सब निकल गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे दिया गया है, देखो इन फिगर 2.7 दिया गया है, लाइन एल एंड लाइन एम ये जो है पैरेलल है, एंड एन एंड पी भी पैरेलल है। तो ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ द एंगल, मीन्स फाइंड ए बी सी का हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा है, जब यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा है ना, तो इसको एक एंगल और हम अपने से सपोज कर लेते हैं एंगल डी। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पे एल एंड एम जो है ये पैरेलल है और पी ट्रांसवर्सल है, मीन्स हमको एन वाला देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये 45 डिग्री दी गई है, यहाँ पे डी दिया गया, ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, एंगल डी इक्वल टू 45 डिग्री, ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। यहाँ पे लिख लो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जब करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए क्या आएगा, लीनियर पेयर में आएगा। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर में है। यहाँ पे लिख लोगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर में तो 180 डिग्री होगा, तो एंगल ए हमको फाइंड करना है, एंगल डी अभी हमने देखा 45 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे एंगल ए की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस 45 और ये सट जाएगा तो माइनस 45 होगा, जब ये माइनस 45 होगा तो ये कितना जाएगा 135, एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 135 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी के लिए लिखते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्यों,
वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दैट एंगल बी इक्वल टू, एंगल ए कितना आया है 135 डिग्री, ये आ गया हमारा एंगल बी की वैल्यू। अब किसका फाइंड करना है, एंगल सी का फाइंड करना है। देखो अब ये एंगल सी से क्या कॉन्टेक्ट बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ये एंगल बी और एंगल सी। तो यहाँ पे लिखो लाइन एन परपेंडिकुलर टू लाइन पी एंड एम जो है ट्रांसवर्सल कर दो, लाइन एम इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ये क्या बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल बी कितना आया 135 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए एंगल बी एंगल सी सबका सब कितना आया है 135 डिग्री, मीन्स सबका सब सेम है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इन फिगर 2.8, यहाँ पे 2.8 दिया गया है, साइड्स ऑफ पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ये जो इसकी साइड दी गई है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर का, आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई का पैरेलल है एंड वाई जेड जो है वो क्यू आर का पैरेलल है, ऐसा हमको दिया गया है। प्रूफ दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, मीन्स ये पी क्यू आर का जो एंगल बनेगा ये एक्स वाई जेड के एंगल के इक्वल बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया गया। तो हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं वाई और यहाँ पे एम लिख दो, मीन्स वाई एम हमने लाइन ऐसा ड्रॉ कर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमको दिया क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है पी क्यू और ये एक्स वाई है, इसको हमने एम तक कर लिया, एक्स एम हो गया। तो हमको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम रे एक्स वाई इंटर सेक्ट रे क्यू आर एट यम, मीन्स एक्स वाई जो है वो हम थोड़ा सा ऐसा बढ़ा देते हैं कि क्यू आर को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट यम पे। तो देखो ये वाई जेड और क्यू आर, यहाँ पे लिखो लाइन वाई जेड पैरेलल टू लाइन क्यू आर, ये हमको दिया गया है। देखो वाई जेड और क्यू आर यहाँ पे लिखा है ना, उसके साइड पैरेलल होते हैं, तो ये क्यू आर दिया गया है। उसके बाद में ये एक्स एम है, जो लाइन एक्स एम है, लाइन एक्स एम इस ट्रांसवर्सल हो सकता है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो ये क्या है वाई जेड है और ये क्यू आर है, ये जो है ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा ये एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल वाई एम आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब सेम उसी तरीके से फिर से हमको करना है, ये तो ये पैरेलल था, अब यहां पे पी क्यू एंड एक्स वाई पैरेलल है, तो यहां पे लिखो लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स एम। देखो यहाँ पे एक्स एम पैरेलल हो सकता है और इसकी ट्रांसवर्सल क्या है, और ट्रांसवर्सल क्या बन जाएगा क्यू आर, यहाँ पे लिखोगे लाइन क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, ये क्या बनेगा ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो ये एंगल के इक्वल आएगा, यहाँ पे लिखोगे एंगल पी क्यू एम इक्वल टू एंगल वाई एम आर, तो ये क्या बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये टू हो गया ये वन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे यहाँ पे भी वाई एम आर है, यहाँ पे भी वाई एम आर है, वाई एम आर से अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल
पी क्यू एम। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड तो हमारे पास आ गया, अब पी क्यू एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखो पी क्यू एम था, जो ये हमारे पास पी क्यू एम था, तो इसको हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो एंगल का तो यही मीनिंग है, यही वाला एंगल है, तो इसी तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में, इन फिगर 2.9, फिगर 2.9 है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल दिया गया है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मींस हमको वन एंगल का दिया गया है 105 डिग्री और हमको ए आर टी सी टी क्यू डी टी क्यू पी आर बी का हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। एंगल बी आर टी दिया गया हमको 105 डिग्री और हमको फाइंड किसका करना है, ए आर टी का फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ए आर टी मीन्स ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, सो दैट यहाँ पे एंगल ऑफ ए आर टी प्लस बी आर टी दिया गया 105 इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट एंगल ए आर टी इक्वल टू 180 माइनस 105 होगा। देखो 105 प्लस और ऐसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा ए आर टी 75 डिग्री, सो दैट एंगल ए आर टी आया 75 डिग्री। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 75 डिग्री। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नाउ अब सेकंड के लिए करना है, सेकंड क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है, एंगल सी टी क्यू, एंगल सी टी क्यू कहाँ पे, देखो ये यहाँ पे है एंगल सी टी क्यू। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं ये क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। यहाँ पे लिखोगे एंगल सी टी क्यू इक्वल टू एंगल ए आर टी इक्वल आएगा, क्यों आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी टी क्यू इक्वल टू ए आर टी, कितना अभी हमने फाइंड किया 75 डिग्री, ये आ गया एंगल सी टी क्यू। सो दोस्तों हमारा सी टी क्यू आ गया 75 डिग्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब हमको कौन सा करना है, थर्ड करना है डी टी क्यू के लिए। यहाँ पे थर्ड में लिख लो एंगल डी टी क्यू, डी टी क्यू कहाँ पे है, देखो ये है, तो अब ये अभी हमको फाइंड करना है, ठीक है। जब ये एंगल फाइंड करना तो ये क्या बनेगा, एंगल से लीनियर पेयर बन सकता है। यहाँ पे लिख एंगल डी टी क्यू प्लस एंगल सी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, सो दैट एंगल डी टी क्यू प्लस सी टी क्यू अभी हमने फाइंड किया 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट एंगल डी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 कितना होगा, 105 डिग्री होगा, सो दैट एंगल डी टी क्यू हो जाएगा 105 डिग्री। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नाउ फोर्थ करते हैं पी आर बी, फोर्थ में है एंगल पी आर बी, यहाँ पे कितना आया था 105 डिग्री। उसके बाद अब पी आर बी, पी आर बी कहाँ पे, पी आर बी मीन्स ये है, यहाँ पे देखो इसका ये वर्टिकली अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे सो दैट पी आर बी इक्वल टू एंगल ए आर टी का वर्टिकली अपोजिट होगा ए आर टी, यहाँ पे लिख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये क्या जाएगा एंगल पी आर बी इक्वल टू ए आर टी कितना है 75 डिग्री, ये आ गया हमारा आंसर।
सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए ताकि इसको और इम्प्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।